अब बिहार की बात करते हैं, क्योंकि बिहार में भी सीट बंटवारे का विवाद बना हुआ है। चर्चा तो ये तक थी कि फॉर्मूला निकल चुका है, लेकिन अब इसमें विवाद खड़ा किया है रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने। पारस ने कहा कि 7 से कम पर राजी होने का तो सवाल ही नहीं उठता, जबकि चर्चा है कि 5 सीट ही मिलने वाली है उन्हें। सीट का बिहार में कोई बंटवारा नहीं हुआ, पूरे देश में अभी लोकसभा सीट का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के छोटे भाई और LJP के बिहार अध्यक्ष पशुपति पारस ने अपने इस बयान से NDA में हलचल पैदा कर दी है। बिहार में अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद ऐसा माहौल बन चुका था कि NDA में सम्मानजनक सीट का बंटवारा हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। ऐसे में 2019 लोकसभा चुनाव के लिए रफ्तार पकड़ने से पहले ही पासवान की पार्टी ने ये बोलकर खलबली मचा दी कि सीट बंटवारे पर बैठक तक नहीं हुई है। हमारे नेता जो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि सम्मानजनक समझौता हो गया है, केवल औपचारिक घोषणा का बाकी है। सीट का बिहार में कोई बंटवारा नहीं हुआ, पूरे देश में अभी लोकसभा सीट का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। ये अखबारी न्यूज 100% गलत है। आज तक हम लोगों की बैठक, NDA पार्टनर की बैठक आज तक सीट बंटवारे पर नहीं हुई है। नीतीश के दोबारा NDA में शामिल होने की वजह से सीटों को लेकर माथापच्ची करनी पड़ रही है। 7 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पासवान की LJP दोबारा 7 सीटों की मांग कर रही है। 7 में 6 जीते थे, हमारा ग्राफ 2014 से बढ़ा है, हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, हमारा संगठन गांव-गांव में है, इसलिए हम डिमांड करेंगे कि हमको जो 7 सीट मिला था बिहार में 7 सीट पर हम चुनाव लड़े। NDA के अंदर चल रही इस खींचतान में केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP भी जीती हुई 3 सीटों से कम पर राजी नहीं है। JDU से जब NDA के सहयोगियों की दावेदारी पर पूछा गया तो प्रवक्ता संजय सिंह ने कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि ये तो BJP की सिरदर्दी है। वो BJP के लोग जाने ना, हमारा जो सम्मानजनक समझौता हो गया मैं इतना ही जानता हूँ। JDU भले ही जल्द खुशखबरी देने का दावा करे, लेकिन 2019 का सेमीफाइनल समझे जाने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि NDA सीट की इस सिरदर्दी से कैसे उबरता है। 11 दिसंबर सबसे तेज नतीजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।